ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आप सभी ने देखा, फ्रैंकलिन अपने घर पे आराम कर रहा होता है और गोस्ट राइडर की मौत का दुख वो अभी तक भूल नहीं पाता। लेकिन उतने में ही उसके पास चार मॉन्स्टर्स आ जाते हैं अजीब तरह से, जिन्हें फ्रैंकलिन बिल्कुल भी नहीं जानता था। अब यार वो फ्रैंकलिन को उठा के ले जाते हैं बिना कुछ बताए उसको, और उठाने के बाद जब वो हमें लेके जाता है तब हमें पता चलता है कि इन्हें सर्बियन डांसिंग लेडी ने भेजा है फ्रैंकलिन को मरवाने के लिए, फ्रैंकलिन को टॉर्चर करने के लिए अपने डेविल बॉस फ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए। फिर फ्रैंकलिन को वो सब बुरी तरह से एक एक करके टॉर्चर करते हैं और फिर यार एंड में वो लोग फ्रैंकलिन को मारने जा रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। गाइस यार, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था सब्सक्राइब करने के लिए, तो गाइस यार आप लोग भी कमाल हो, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया भी तो यार 1000 सब्सक्राइब होने में सिर्फ थोड़े से बाकी हैं, फटाफट से उसको 1000 सब्सक्राइबर करा दो यार, ताकि हम सब मिलके सर्वियन डांसिंग लेडी से छुटकारा पा सके जल्द से जल्द। तो चलो यार अब देखते हैं फ्रैंकलिन के साथ आगे क्या होने वाला है। फ्रैंकलिन, मरने से पहले क्या तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ। अरे ये क्या, ये तो ओ कर रहा है। रोक, चलो अपना काम शुरू कर और इसको खत्म कर, इसका कीमा बना दे फटाफट से। ठीक है मैडम, ठीक है बॉस। मुझे फ्रैंकलिन को बचाना होगा, फ्रैंकलिन को मैं इतने आसानी से मरने नहीं दे सकता। लोकेशन तो यही कहीं की थी, उन्होंने फ्रैंकलिन को कहाँ छुपा के रखा है, लोकेशन तो यही की दिखा रहा है, ये रहे। रोक जल्दी मारे से, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये लो, ये सब खाओ, सारे खाओ। अरे ये क्या, ये कौन है? फ्रैंकलिन तुम कहो हो? अरे वो तो यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ गया? फ्रैंकलिन जल्दी करो, इससे पहले इन सबको होश आ जाए। अरे ये क्या, ये तो बेहोश पड़ा हुआ है, मुझे लगता है मुझे इसे ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। अभी तुम इसको ऐसे ही ले जाता हूँ जल्दी से, इससे पहले इन सबको होश आ जाए। फ्रैंकलिन जरा ध्यान से पकड़ना, अब हम उड़ने वाले हैं। ठीक है। वैसे तुम हो कौन? अरे पगलो जैसी बातें कर रही हो, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे मैं भी किससे बात करूं, अभी तो सही से होश में ही नहीं है। कौन हो तुम? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले हमारे यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन था ये? अरे बेवकूफो जाओ, उसको मारो, उसको पकड़ो। जी मैडम, हम अभी जाते हैं, चलो बे सब के सब, उसे खत्म कर देंगे हम। अरे जल्दी जाओ बेवकूफो। जी मैडम जाते हैं, अब जल्दी आओ बे, क्या कर रहे तुम लोग? अभी वो किस साइड गया होगा, जल्दी से ढूंढते उसे, जाओ सारे अलग अलग ढूंढो, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने, अबे जल्दी जाओ बे निकम्मो। पता नहीं कौन थे ये काफी, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस बिल्डिंग पे अभी बताता हूँ इनको। अबे ये रहे, अब बताता हूँ बे तेरी हिम्मत कैसे इसको लाने की, हेल ले ये खा। अरे रे, अरे ओर फ्रैंकलिन जल्दी उतरो, मुझे इससे लड़ना होगा। अबे इधर आजा, लड़ेगा तो तेरे को बताता हूँ मैं। फ्रैंकलिन तुम वहीं रुकना, मैं इसको अभी पता के आता हूँ। बे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम के सामने हमें मारने की? ये तो मेरे को मार रहा है, अभी इसको बताता हूँ।
कुछ नहीं होने वाला। पता तो जा। और ये तो सीख के रहता, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। तेरे को बहुत कुछ होगा बेटा, रुक जा। कौन गया? देखा, भाग गया ना टर्की। अरे रे, ये क्या मार रहा है? लेजर मार रहा है। चीटिंग करना तो लड़ाई में। अबे मैं तुझसे कहा था ना, मैं तेरे को बताऊंगा। दिल्ली और अरे रे मैडम, अरे कहाँ गए सबके साथ? मुझे बचाओ यार, ये मेरे को बहुत मार रहा है। अरे रे, रे। दिल्ली आग में जल। अरे मैडम मांगो यहाँ, बचाओ मुझे। अरे तुम सब कहो मर गए क्या? दिल्ली जी मिसल तो कैसे लगा तुझे? अरे अरे उरी, मैं इसको मार दिया। देखना बड़ा आया मेरे से पंगे लेने वाला। देखता हूँ जो कि फ्रैंकलिन ठीक है या नहीं। अरे ये तो ये रहा, बेहोश पड़ा है। जल्दी से इसको यहां से ले चलता हूँ, इससे पहले ये सब दोबारा आ जाए। तुम तैयार हो ना फ्रैंकलिन? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ, मैं। वैसे तुम हो कौन? अरे बाप रे, इसको तो अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी यहाँ से निकलना बेहतर है। देख रहे हो भाई लोग, हमारे भाई को कुत्ती बुरी तरह मारा गया है। इसका बदला तो हमें लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम सही कह रहे हो राइनो, इसका बदला तो हम जरूर लेंगे। चलो चलो मेरे भाई, आ जाओ मेरे पीछे, जल्दी आओ। चलो उनके लोग यहीं से आ रही है, वो यहीं पर होंगे। जल्दी ढूंढो उन्हें, मार मार के भरता बना देंगे। मेरे भाई लोग वो लोग कहीं कहीं छुपे हैं, जरा ढूंढो उन्हें। अरे ये क्यों फ्रैंकलिन, इन लोगों ने तो हमें ढूंढ लिया। एक काम करना, तो पीछे रहना। भाई लोग देखो ये रहा, इसने हमारा भाई को मारा है। नहीं आयरन मैन, मैं भी तेरे साथ लड़ूंगा। मैं ऐसे कैसे तेरे को अकेला छोड़ दूं? ये तीन है और तू अकेला है। फ्रैंकलिन मेरी बात समझो, तुम इस वक्त बिल्कुल भी हालत में नहीं हो लड़ने की, इसलिए तुम पीछे ही रहो। नहीं आयरन मैन, मैं भी लड़ूंगा इनसे, मैं तेरे को अकेले नहीं छोड़ूंगा मुसीबत में। अब तू क्या लड़ेगा हमसे? इतना पिटने के बाद तेरे को चैन नहीं है क्या? ये ले। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको मारने की? हेलो भाई लोग, इसको मारो अब। इन्ने हमारे भाई को मारा, मारो इसे। मैं इन सबको देख लूंगा फ्रैंकलिन, तुम चिंता मत करो। अबे तू क्या देखेगा? ओबे फ्रैंकलिन तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको जरूर मारूंगा। अरे बापरी, ये तो मेरे पे भारी पड़ रहे हैं सारे, तीनों के तीनों। ये
फिर भी मैं कोशिश तो करूंगा, कोशिश तो मैं करूंगा। तूने हमारी भाई को मारा गिल्ली, मुझे मारने दे उसको, तू ही मारे जा रहा है गिला, वरना मैं तुझे मारूंगा। ये तो काफी भारी है। अरे पोपरे, ये लोग तो बहुत भारी पड़ रहे हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे ये क्या, मेरा सूट भी खराब हो रहा है, मेरा सूट भी काम नहीं, मेरा सूट भी मेरा साथ नहीं दे रहा, अब मैं लोगों को कैसे हराऊं? ये लो ये लो। गिल्लो गिल्लो अग्नि गिल्लो, अरे बोपरी मेरा तो सूट साथ नहीं दे रहा। लगते है मुझे यहाँ से भागना होगा। तूने मेरे भाई को मारा है। अरे यार ये मेरे सूट काम क्यों नहीं कर रहा। अरे ये क्या बैटमैन, मैं तुम्हारी मदद करने आ गया हूँ, मैं इसको बताता हूँ अब। तुम्हारा शुक्रिया बैटमैन। शुक्रिया की क्या बात है, लॉस सैंटोस की रखवाली करना मेरा भी तो फर्ज है। चलो अब हम दोनों मिलकर इन तीनों को मजा चखाते हैं। सुने पहले हम इसको ही मारे, बैटमैन मारो इसे। मरो इसे बैटमैन मरो। क्यों बोट है, क्यों बोट है, बैटमैन मरो इसे। अबो तूने हमारा भाई को मारा था ना, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी, मैं तुम दोनों को मारूंगी। ये लो ये बिल। क्या बात है बैटमैन, तुम उसको संभालो, मैं इन दोनों को संभालता हूँ। ये लो। मुझे लगता है टाइम आ गया इनको भी इनके भाई के पास भेजने का। अब तू क्या भेजेगा, हम तुझे अभी बताते हैं। पहले मैं इनको थोड़ा जलाऊंगा और अब मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। ये लो ये भी गया। अरे वो क्या बात है, इन दोनों को भी मैंने ठिकाने लगा दिया। देखता हूँ बैटमैन उससे कैसे लड़ रहा है, कहीं उसे मेरी मदद की जरूरत ना हो। आ जाओ मुझे पकड़ के दिखाओ, आ जाओ। अबे ये क्या कर दिया तूने, ये ले और खा।
क्यों मजा आ रहा है? अबे ये क्या था? अब मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा। ये ले और खा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त आयरन मैन को मारने की? अरे ये क्या, ये तो मर भी गया इतनी जल्दी, इतना कमजोर था क्या ये? क्या बात है बैटमैन, तुमने भी इसको मार दिया, शाबाश। उन दोनों की लाश को तुम्हें जला दिया, इसकी लाश को भी जला देते हैं, ये लो। हाँ अब ठीक है, बैटमैन फ्रैंकलिन को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, जल्दी से वहाँ चलते हैं और उसको हॉस्पिटल पहुँचाती हैं, फिर हम उस सर्वेंट डांसिंग लेडी को भी आज खत्म कर देंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। लो बैटमैन, फ्रैंकलिन यहीं कहीं होगा, जख्मी पड़ा होगा, हमें पहले उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा और फिर हमें उस सर्वेंट डांसिंग लेडी को भी खत्म करना है। ये रहा, अरे इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब लग रही है। और ये क्या, फ्रैंकलिन को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। बैटमैन एक काम करो, तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं उस सर्बियन डांसिंग लेडी के पास जाता हूँ और उसको आज खत्म करता हूँ। ठीक है आयरन मैन, जैसा तुम कहो। तुम इसको फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं सर्बियन डांसिंग लेडी का खत्म करने जा रहा हूँ। ये हो गई मेरी गाड़ी, चलो अभी से मैं फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ, कहीं इसकी जान न चली जाए अगर मैं ज्यादा लेट कर दूं तो। ये लोग कहाँ रह गए? पता नहीं सब कुछ ठीक भी है या नहीं। अगर रात हो रही होती तो मैं खुद इन सबको मार देती, लेकिन अभी दिन में मेरी पावर्स काम नहीं करती, इसलिए मैं बाहर भी नहीं जा सकती। या क्या करूं मैं? पता नहीं ये लोग निकम्मे कहाँ रह गए। आज तो इसका खत्म होके ही रहेगा और लॉस सेंटर्स में एक बार फिर से हरियाली होगी। अरे ये क्या, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी अभी तक मौत नहीं हुई क्या? मेरी मौत तो नहीं हुई, लेकिन तेरी जरूर होगी आज सर्बियन लेडी। ये क्या बोल रहा है, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? ही ही। आज तेरे में सारा ही निकाल दूंगा, ये ले ये खाओ। ये लो, इसका तो हो गया खत्म, अब लॉस सेंटर्स में एक बार फिर से हरियाली होगी, मैं इसकी लाश को भी जला देता हूं। और मैं ये पूरी जगह भी जला देता हूं, इसका अड्डा। बिजली का ब्लास्ट होने वाली है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए।
ऑलराइट गाइस, बैटमैन और आयरन मैन के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में जरूर लिखना आयरन मैन ओपी। और क्या ये सर्बियन डांसिंग लेडी का एंड है, हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में।